सारी कटिंग कर ली। हाँ अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ साहिबा और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद साहिबा। लाइट नहीं है यहाँ पे, एक लाइट ला के लगा दो इरफान। इस वक्त मैं लाइव हूँ और अपने किचन में हूँ, अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पर सामान है। अच्छा, आप लोगों ने कहा था कि एक लास्ट टाइम जो हम की तैयारी कर रहे थे अफ्तारी की, तो आपने कहा था कि एक पकौड़े जो हमारे कुक साहब बनाते हैं वो बहुत अच्छे हैं और उसकी रेसिपी के लिए काफ़ी मैसेजेस आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपसे ये रेसिपी शेयर कर लूँ। पूरा रमज़ान आपने खाए होंगे पकौड़े, लेकिन ये वाले पकौड़े भी खा कर देखें, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद भी वो खाए जाते हैं, ये मतलब पकौड़े ठंडे होने के बाद खाए नहीं जाते। अच्छा, ये लाइट लग रही है ज़रा, और ये चीज़ें वगैरह कटी हुई हैं, उसमें है पालक, प्याज। अच्छा, इरफान आ जाए तो वो बताते हैं, ज़रा लाइट लग जाए ना ज़रा। हाँ इरफान, ज़रा जल्दी लाइट लगा कर आ जाओ। अच्छा, मैसेजेस भी आना स्टार्ट हो गए हैं, क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आप लोगों के मैसेजेस करने का बहुत शुक्रिया, और जो आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और मैं बड़ी सरप्राइज हुई हूँ, दो वीडियोस मेरी ट्रेंडिंग में आई हैं और बड़ा अच्छा लगा मुझे ये देख करके, ट्रेंडिंग में वीडियोस हैं। अच्छा, एक तो रेसिपी है हमारे कुक इरफान की पकौड़ों की। लाइट आ गई है, कुछ चेहरा आपको मेरा नज़र आ रहा होगा, थोड़ी सी ऊपर कर दो इधर, ऐसे क्योंकि ज़्यादा फेस पे लाइट चली गई है। अच्छा, एक तो रेसिपी है हमारे कुक की पकौड़ों की, और एक मेरी रेसिपी है जो मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल उसको बनाते हुए दिखाऊंगी। वैसे हर रमज़ान वो वाले चीज़ टोस्ट मैं बनाया करती थी, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान में नहीं बनाया, इस दफ़ा अब आके बना रही हूँ। इस दफ़ा मैंने आइडिया ये लगाया है कि कुछ चीज़ें आधे रमज़ान में खा खा के हम बोर हो जाएंगे, और बाद में कुछ चीज़ें नहीं बनाऊंगी जो कि बाकी के रमज़ान में चलती रहेंगी। बच्चे खाते हैं शौक से। और चलो जी, आ जाओ इरफान, ज़रा बताओ ये क्या क्या पकौड़ों में डलेगा, क्या ढूंढ रहे हो? बेसन। अच्छा जी, क्या क्या मैसेज आ रहे हैं मैं पढ़ ही नहीं सकती अब मुझे, मैं लेकिन मैं खुद आप लोगों के मैसेज पढ़ती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग इतने प्यारे मैसेज करते हैं। और अच्छा, आज का जो दिन है वो भी बड़ा बरकत वाला है, मिलना ही बरकत वाला है, और तीसरा अशरा शुरू हो गया है निजात का, और हज़रत अली की शहादत का दिन है, वो हमने अज़हरा भी कर रहे हैं, लोगों की नया से भी आ रही हैं, और दुआओं में आप भी हमें याद रखें। अच्छा इरफान, ज़रा जल्दी आ जाओ, लाइट दे हुए हमें, ये ज़रा अपना किचन दिखा दूँ साथ। ये देखे ना, टमाटर यहाँ से तोड़ के निकाल लेते हैं। टमाटर कहाँ गया हमारा रेड टमाटर? टमाटर ये ग्रीन है, रेड वाले तो तोड़ लिए आज, आ जाएगी। ये कितनी अच्छी आवाज़ लग रही है कब्बों की। ओए वो बैंगन देखें सर, ये बैंगन नहीं खा नहीं पा रहे, सब्जी तोड़ के खाने का इतना मजा है। ये बड़े मजेदार पकाते हैं रैम्बो साहब, खूब काफी सारे लगे। अच्छा, ये हमारे माली को चाहिए कि ये तोड़ के दिया करें, अगर ये खराब हो रहे हैं उससे कहा करो कि ये तोड़ के दिया करें। ये देखो कितने पानी लगाया हुआ है, लेकिन ये वाला बैलेंस खराब हो गया। चीजें तैयार कर लो इरफान, पकौड़े की चीजें तैयार कर लो। इसलिए मैं ये बैंगन तोड़ के ला रही हूँ, बस ये इतनी केक हमारा।
मस्त बनाते हैं और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है उनके पास, बड़े खट्टे और लंबे बैंगन बनते हैं डंडियों समेत। हाथ धोने, अच्छा मुझे आदत है बार बार किचन में ना हाथ धोने की, मुझे ये बहुत ज़्यादा होता है कि सफाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा इनको तो बाद में हम वॉश कर लेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं पकौड़ों की तरफ, अगर इरफान साहब के काम खत्म हो जाए तो। आ जाओ। हाँ जी आ जाओ इरफान, मेरे बताओ क्या पकौड़ों में डालना। एक तो हमारा जो मेन शेफ है आज का वो बहुत बिजी है, ज़्यादा अफ्तारी का टाइम कर दिया। अच्छा ये बताओ पालक है? जी पालक प्याज हरी मिर्च। अच्छा ये है पालक प्याज और हरी मिर्च, तीनों चीजें इकट्ठी कटी हुई है। पुदीना भी है, पुदीना भी है थोड़ा। अच्छा पालक प्याज हरी मिर्च पुदीना, ये एक इतने बॉल में ना हमने एक जितना ही है तकरीबन, हरी मिर्च थोड़ी कम हो। जी हरी मिर्च कम। कितनी है हरी मिर्चें? हरी मिर्च चार। चार चार हरी मिर्चें और प्याज कितना है? प्याज तीन। तीन है और बाकी ये पालक आप देख सकते हैं। अच्छा इसके अलावा ये तो मेरी दूसरी डिश है, इसके अलावा क्या डालेगा? ये अनारदाना है, इसमें डालो। ये अनारदाना है और बाकी अब तुम बताओ जरा। बोल नहीं आप, बोल नहीं आप, ये इरफान की रेसिपी है, ये इरफान की रेसिपी है। नमक डाल रहा है अब इसमें, हाँ बताओ। डेढ़ चम्मच आधे नमक, डेढ़ चम्मच नमक है, आधे चम्मच ये दड़ा मिर्च, आधी चम्मच दड़ा मिर्च, दादड़ मिर्च भी कहते हैं। क्या हो रहा है ये? पकौड़ा इरफान की रेसिपी है वो बता रहा है। अच्छा मुझे तो मैं बनाता हूँ, आप साथ खड़े हो जाओ, साथ साथ बताते जाओ। अच्छा एक मिनट मैं बताती हूँ। हाँ जी अब ये कितनी मिर्च है? ये एक चम्मच। एक चम्मच मिर्च है, एक चम्मच ये पीसी डाली, आधी दड़ा मिर्च, ठीक है, और डेढ़ चम्मच नमक डाल, डेढ़ चम्मच नमक है, मिर्च है दादड़ मिर्च है और ये सूखा धनिया, सूखा धनिया है डेढ़ चम्मच, और उसके अलावा क्या है? एक चम्मच क्या? जीरा, सफेद जीरा है थोड़ा सा। ऐसे बनानी थी, ऐसे बनानी। ये मेथी, मेथी सूखी मेथी। अच्छा क्योंकि हम तो नहीं डालते थे इसमें सूखी मेथी, ये इसके बड़े मजेदार होते हैं भाई, इसके मैसेज बड़े आए थे, उसीलिए बना रहे हो आप? हाँ जी बेसन डालना है, बेसन डालो, करो टाइम थोड़ा है, जल्दी जल्दी करो बेसन बनाओ, और क्योंकि बाकी भी आप अपनी अब तैयारी करो, मैं अपनी एक रेसिपी बना लेती हूँ, ये थोड़ा सा दिखा दे कि कितना। अब क्या डाला है? बेसन डाला। कितना? दो ये बेसन थोड़ा डालना है, तब ये क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेंगे। हम लोग बेसन ज़्यादा डाल देते हैं जिसकी वजह से पकोड़े जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं और ठंडे होने के बाद वो क्रिस्पी नहीं रहते और खाए नहीं जाते। ये तो हम अफ्तारी के 3 घंटे बाद भी खाएं तो बड़े सॉफ्ट और वो होते हैं, जैसे इसमें कुछ डाला हुआ है। अब इजी हो जाओ, ठीक है ना, ये बेसन इसमें थोड़ा डालना, आपने देख सकते हैं कि बेसन कम है, इसीलिए जब बेसन ज़्यादा हो जाता है तो हैवी हो जाते हैं ये, इसलिए हमें लाइट रहते हैं और ज़्यादा खाए जाते हैं मज़े से कि इसमें बेसन कम होता है। अच्छा जी पानी की क्वांटिटी भी देख लें, आपको पानी कितना डालना है? हाँ भाई ये मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, अपना करते रहो, टेंशन ना लो, समझो कोई नहीं है यहाँ। अच्छा जी मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं माशाल्लाह, इस वक्त लोग भी बहुत आपको देख रहे हैं यार। इसकी बड़ी मैसेज आए थे उस दिन, कोई था वीडियो बनाई थी आपने, बहुत मैसेज आए थे कि जी ये वाले पकोड़े बनाने सिखाएं, और ये बहुत रुका रुका बनाओगे या पानी डालोगे अभी? और पानी नहीं डालोगे, ये देखिए इसमें बेसन बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, सारी सब्जी होती है, वेजिटेबल्स होती हैं सारी,
इसमें बेसन कम डालते हैं, बस इतना ही डलता है। हाँ जी, तभी इतने अच्छे हैं आज, मुझे पता चला लग ही नहीं रहा। ओ हो। अच्छा, पकोड़े मेरे भी बड़े फेवरेट थे, सबके पसंदीदा, लेकिन ये इस दफ़ा ये इरफान जो है वो नंबर ले गया। ये देखें जी, इसमें बेसन नज़र आ ही नहीं रहा, बस इतना डालना है कि एक हल्का हल्का इस पर कोटिंग हो जाए, छुपना नहीं है, सब्ज़ी छुपनी नहीं चाहिए। ये जो प्याज, आलू, आलू भी हैं, प्याज है, पालक है, प्याज पालक और मिर्च पुदीना, मेथी पुदीना, ये नज़र आने चाहिए, ये बेसन में छुपने नहीं चाहिए। और ये बैंगन तोड़ के कौन लाया भाई? आह हाँ हाँ, बैंगन मैंने तोड़े हैं, और ये आपके माली को चाहिए था कि वो हमें तोड़ के देता। वो माली बिजी रहता है दूसरे घरों में। अच्छा अच्छा, अब इनको आपने तलना है जी, जब तलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। अब क्या कर रही हो आप? इतनी देर तक इरफान की तो रेसिपी, अब आप क्या कर रहे हो? अब एक रेसिपी जो कि हाँ जी मैं बनाने लगी हूँ। ये क्या है इरफान, जरा मेरी हेल्प करोगे इसमें? ये जरा कद्दूकश कर देना, चीज चीज कद्दूकश कर दो। आप क्या बनाने लगी हो बता दो। चीज टोस्ट है ये, और चीज टोस्ट ये है, प्याज कटा हुआ बारीक प्याज कटा हुआ, बारीक हरी मिर्च और हरा धनिया, इसको हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हरी मिर्च है ना इसमें? हरी मिर्च हरी मिर्च, धनिया, ठीक है, और प्याज। प्याज इसको अच्छा। बारीक बारीक काट के मिक्स करना है, और ये जो चीज है, मतलब एक ही चीज है, कोई भी चीज है, ये मोज़रेला चीज है? नहीं, मैं उर्दू वाली चीज पूछ रहा हूँ, ये क्या चीज है? ये यही तो चीज है, अंग्रेजी वाली चीज नहीं पूछ रहा। अच्छा, पनीर है ये जी, ये ऐसे को ना। अच्छा, ये मोज़रेला, हमारे उर्दू के लफ्ज कुछ ऐसे हो गए, इतने भूल गए हैं लोग के, क्या पता पनीर का किसी को ना पता हो, अब ज्यादातर ये होगा, है ना? नहीं, हमारी ये नई जनरेशन को तो नहीं पता, उनको परेशानी का नहीं पता, उनको बस पता है टेंशन ना दे यार मैनु। ये तो काफी लोग कहते हैं हमारे। हाँ, तो टेंशन ही है ना, अब ये नहीं है कि यार मुझे तंग ना करो, मुझे परेशान ना करो। अच्छा जी, अच्छा जी, ये तो देख लिया ना आपने कटा हुआ, और ये तीन जो है ये ब्लॉक्स ये हो रहे हैं चीज के, कद्दूकश, इतनी चीज, हाँ, और ये तीन क्रीम के पैकेट हैं, और इसमें तीन ही अंडे होंगे। ठीक है, तीन ही अंडे हैं। बहुत मैसेज आ रहे हैं भाई, मैं चांद है, चांद हेलो, ये जी है यार मेरी वो लाना, मैं अलग प्याली में जरा ये, क्योंकि अंडे को ना एक मैं आपको टिप दे रही हूँ। ओए होए होए, अड्डे टिप तू, एडी तू आपा साहिबा। हाँ, कि अंडे जो है ना वो उनको अलग अलग तोड़ना चाहिए पहले। अरे ये तो लीक ही हो गया सारा। अलग अलग तोड़ना चाहिए क्या मतलब? कोई खराब हो आपकी डिश ना खराब हो जाए। तो ये इसी तरह सारे तोड़ते हैं, ये कौन सा नया तरीका? नहीं, अब हाँ। मैं अगर अंडा खराब होता हाँ। मैं इसमें डाल देती तो ये आपका वेस्ट हो जाता ना सारा। अच्छा, इधर एक एक तोड़ के डालते हाँ, जाओ। एक एक तोड़ के डालते हैं। अच्छा, मैं समझे को बड़ी नमी साइंस कटी। नहीं, तो अब इसमें दूसरा खराब आ जाए तो हाँ, ये एक एक तो पहले आपने फिर दो किए, पहले दो क्यों किए थे? गलती पकड़ ली खवातीनों, जरा आप मेरा साथ दें। पहला वाला मैंने देख लिया था, वो थोड़ा सा क्रैक था और वो सही था। अच्छा, खाने से भी तो पता चल जाता है, माशाल्लाह। अंडों का वैसे पानी में डालने से भी पता चल जाता है। कितने अंडे डाले? ये एक लीक हुआ था, वैसे मैंने तीन डालने थे, लेकिन मैंने तीन एग्स और एक एग वो डाल दिए, ये थोड़ा सा छिलका इसमें रह गया। अच्छा, ये इसमें डाल दिए और इसको अब मैं मिक्स कर रही हूँ, और मुझे ना कॉर्नफ्लोर भी चाहिए, ये मैं मिक्स कर रही हूँ, और अब साथ में इसमें क्रीम भी मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, ये क्रीम आप कोई भी ले सकते हैं? कोई भी क्रीम ले हाँ जी, बाजार में मिलती हैं हर ब्रांड। और ये क्रीम कितनी जाएंगी? तीन पैकेट, क्योंकि मैं ज़्यादा बना के रख रही ना, बाकी के 10 रमज़ान भी तो बाजार में है ना। अच्छा, ये काफ़ी बन रहा है? काफ़ी बन रहे हैं, ये बन के फ्रीज हो जाएंगे और ये फिर टोस्ट होंगे। और ये रेसिपी मुझे बताई थी खालिद हफीज साहब गेस्ट हाउस से, जो आपने रैम्बो साहब के चैनल पर इंटरव्यू भी देखा होगा उनका, शमीम साहब, गेस्ट हाउस वाले शमीम साहब, उनकी वाइफ जो है वो बहुत ही अच्छा बनाती हैं भाई, मज़ेदार, बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, और वो बेकिंग बहुत अच्छी करती हैं। उन्होंने अपने कुक को भी
प्रॉपर ट्रेन कर लिया और कुक मेरे मेरे गांव का हजार है का एप्टाबा कई से उनके पास है और अब चाहे वो मुझे देख रही हूँ जायद इकरा पकड़ ले इसमें से जायद इकरा वेलकम हुसैन ये मिक्स किया है मैंने चश्मा शादी ये क्या नाम है जब मैं गलत पढ़ रहा हूँ मुझे माफ़ कर देना यार अगर किसी का नाम गलत पढ़ लूँ अरशद हैं रियलिटी नोमान शाह जी और अच्छा जी अब हम इसमें मिक्स करेंगे कॉर्नफ्लोर एमएम लाइफस्टाइल विद नौरीन अच्छा आप क्या जी कर रहे हैं आप ये टेबलस्पून है कॉर्नफ्लोर कितने ये मैंने किए हैं तीन तो आपने एक बनाना है तो एक 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 कर दीजिएगा इसको हाँ। और प्याज और वो तीन इससे कर देने आपने वो उसी तरह से फिर ये है कि क्वांटिटी कम हो जाती है तो यार अभी ये देखें अब देखें। इसमें ऐड होगा नमक काली मिर्च और चीज बस हाँ तो ये थिक हो जाएगा ये जो बैटर नमक ना, काली मिर्च और चीज वो थिक हो जाएगा और बस फिर क्या करना है इसको टोस्ट पे लगाना है और अच्छा ये मैंने अपनी तरफ से ऐड की थी कि वो जो चंक्स मिलते हैं या सॉसेजेस मिलती हैं वो आप इनके साथ लगा सकती हैं अगर ऐसे खाना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं लेकिन बच्चे क्योंकि चिकन और इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं तो वो चिकन के ना चंक्स या चिकन बना के अभी तो मैंने चिकन बना के रखा हुआ है बोनलेस चिकन ये देखिए ये कौन सा वाला है प्याज ये इरफान चिकन बोनलेस को बनाया हुआ है ये हल्का सा इसको बॉयल कर लेना है और थोड़ा सा मसाला नमक मिर्च चलो जी ये कद्दूकस हो गया है और इसमें मैं कुछ कुछ चिकन भी शामिल नहीं तो पहले चिकन आप उसके ऊपर टोस्ट के ऊपर नहीं रखती थी भी हाँ रखती हूँ लेकिन ये वाला मैं पहली दफा चंक्स हमेशा यूज करती मैं ये सोच रही हूँ कि ये मैं इसके अंदर डालूँ चलो छोटे छोटे करके हाँ अफ्तारी में कितना टाइम है है ना हाँ। साथ साथ सफाई करते जाओ अब कोई है नहीं हाँ। इनकी बेगम जो है वो इरफान साहब की वो कैमरे के आगे नहीं आना चाहती और आती भी नहीं अच्छी बात है वरना हाँ। साथ साथ कोई बंदा ये चीज़ आ गई ये चीज़ शायद अजीज हाँ जी अच्छा जी अरशद फरहान मेरा नाम ओए अमेरिका चश्मा शाह अमेरिका से जी जी मैंने यही पढ़ा था मैंने शाह पढ़ लिया था सॉरी निमरा थी मिसबा कमर पूरा नाम नहीं पढ़ रहा ऊपर निकल जाता है तैयब है नुमान है राना साहब हसन नफीस क्या था किरण नायला इरसा माही मलिक बहुत ऊपर चौधरी नहीं नहीं मूसा राजपूत ये यहाँ रुक गया तो मैंने पढ़ लिया उमर लाइफ स्टाइल विद नौरीन क्या कह रही हैं निकल गया सारा ऊपर अच्छा जी वो कहती हैं जवानी में सब मुझे साहबा बोलते थे लेकिन अब मैं मोटी हो गई हूँ अच्छा हाँ जी कोई नहीं आप अपना ख्याल थोड़ी सी अपनी केयर बस खाने पीने में ये जो तुम इतनी चीज और इतनी ये बता रहे हो कौन केयर करेगा मेरी बात सुने ये है? तो बच्चों के लिए चीजें होती हैं अच्छा ये बच्चों के ग्रोइंग एज में होते हैं अच्छा उनके लिए ये यार ये तो बहुत ज्यादा बना लिया तुमने बड़ों ने थोड़े खाना होता है अच्छा जी ये चीज मिक्स हो रही है जी अब वो जो बनाया था इन्होंने सारा उसमें चीज मिक्स हो रही है और चिकन भी साथ छोटा छोटा करके तोड़ के बहुत मोटा है ये अपने अपने काम कर लो साथ साथ ये कैमरा हाँ, काम करते रहो क्योंकि अफ्तारी में थोड़ा टाइम है इधर से इसने बर्तन निकालने हैं जिधर आप खड़ी हो बर्तन निकालने हैं चलें ये उठा के उधर ले जाओ इस कॉर्नर में चल जाती जी ये तो यार ये तो बहुत ज्यादा बनेंगे मेरा ख्याल है हाँ ये है मिक्स कर अल्लाह करे कि आप नीचे जो बारीक है ये वाला इसको उठा के डाल दो ना ये नीचे बारीक जो है ये वाला हाँ ये उठा के डालो आप ये यार पूछ लो ना मेरे को नो और वो सामने अपना ये इतना बारीक बारीक है सारा थोड़ा सा अब इतनी इतनी बड़ी बोटियां उठा रही हैं ये देखें
ये नीचे जितने भी बारीक हैं सारे, शाबाश चलें। ये एक छोटा सा पिज़्ज़ा टाइप बन जाएगा, पिज़्ज़ा टोस्ट। हाँ बहुत मजेदार होता है। इसको कौन मिक्स करेगा? ये इससे नहीं होगा, हाथों से होगा, आप कर लो। ये बड़े उससे भी हो जाएगा, और इसमें नमक और वो भी शामिल करना है, काली मिर्च। हाँ। नमक और काली मिर्च। आप पता है क्या करो? हाँ। आप हाथ धो के अपनी रिंग उतार के ना हाथों से करो, हाथ धो के आओ। सही तरीका है ना, ऐसे टाइम लगेगा। आप क्यों खवातीन हजरात, मैं ठीक कह रहा हूँ गाइस, मुझे बताएं। इरशाद अहमद हैं जी, अनीबा, दुआ फातिमा, दुआ फातिमा आप आ गई हो। दुआ फातिमा का नाम ज़रूर मेरे आ जाता है सामने और पढ़ा जाता है। फिजान हैं जी माशाल्लाह, बहुत सारे नाम वो हैं जो हमेशा हमारे साथ आते हैं और बहुत शुरू से हमारे साथ हैं, 2 साल से जब से चैनल बना है जी। ये नमक है। चलें जी, आपने रिंग शिंग उतार ली अपनी, ये हाथों से करेंगी तो तब होगा, ये ऐसे नहीं होगा। एक चम्मच नमक मेरा ख्याल है कि काफ़ी है, कम होगा, थोड़ा सा। थोड़ा सा चिकन में भी था ना, है ना जी। थोड़ा सा डालें, आधा और आधा, थोड़ा थोड़ा बस। ये और काली मिर्च, कि नमक पूरा ना हो तो फिर बात ही नहीं बनती। ओए ओए, पिसा हुआ सही नहीं है ना यार ये हमारे, क्यों नहीं बारीक पिस्ता है? चलो ये भी 1.25 चम्मच डाल दिए बस, ये ज्यादा नहीं डाली क्योंकि हरी मिर्च भी है बीच में। और नमक जी, नमक ले लो जी, बस ले लो। वो अपने कामों में, अब पकोड़े जो हैं तलने हैं, तलना कहते हैं, पकोड़े निकालने निकालने जी जी। मैंने सही कहा है, मैं नहीं मानते ना, देसी काम जो होता है ना वो देसी, हाथों का नेमल बदल नहीं है। अच्छा, जितनी मर्जी मशीनें आ जाए, लोग अब वैसे अक्सर कुकिंग के शोर में कहते हैं कि ग्लव्स पहन लेती आम खातून, मैं कौन आटा गूंथते हुए या इस तरह की चीज़ें मिक्स करते हुए ग्लव्स पहनता है, या कैप पहन के किचनों में औरतें काम कर रही है, कोई भी नहीं करता। जो हम हैं उसी तरह ही हैं। वो टीवी, वो टीवी में दिखाते हैं, शोज होते हैं या रेस्टोरेंट्स में ऐसे होता है, ऐसे होता है। घर में तो माँ के हाथ का तो बंदा खा ही लेता है। हाँ। उसमें ग्लव्स पहनाने का तो मजा, फिर टेस्ट खत्म हो जाता है। बच्चों ने खाना है अपनी माँ के हाथ का, तो बीच में शापर आ जाएगा तो गलते हो नहीं रहेगी। वैसे भी वो घर में बंदा बहुत ख्याल करता है सफाई का, हाथ बार बार धोता है, तो रेस्टोरेंट्स में ये काम जो है वो जरा एहतियात होने चाहिए जी। अच्छा जी, अब ये टोस्ट पे लगाएंगे और ओवन में ना इसको बस ब्राउन, वो दिखाना पड़ेगा बाद में। हाँ। ये दिखा सकती हूँ, 2-3 पीस दिखा दो ना। ये रेसिपी वैसे मैंने शेयर भी की हुई है। हाँ, ये वैसे ये मैं कर सकती हूँ, ये आप ओवन ऑन कर दें जी, मैं फिर हाथ धोऊंगी। ये देखें जी, घर का देसी लहसुन, ये हमारे यहाँ खुद होता है, ये इधर ही लगता है और उधर शायद लगा भी होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे लहसुन तो नहीं निकाला अभी, ये देखें तैयार हो गया, इसको इस तरह ज़रा ग्रीन है, ये अब सूख रहा है, ये सूख गया ना, अब इसको निकालना है। लेकिन इस दफ़ा ये इतना बड़ा ना, तो देसी वैसे भी छोटा होता है, तो ये वो सैलड गई थी, सॉरी बीच में सिग्नल चले गए थे, ये सैलड यहाँ से निकाल दी सारी खुली है और वो आगे लगे हुए हैं, आप शायद देख नहीं, सिग्नल चले गए थे, मैं ज़रा बहुत दूर आ गया था पीछे। अच्छा जी, हाँ जी, कितना हो गया जी? बस वो ओवन गर्म करने का वेट कर रही हूँ मैं। अच्छा, और थोड़ा सा बचा हुआ चिकन और इसमें थोड़ा शामिल कर दिया। राना साहब हैं, उज़्मा रसूल, शुजा हुसैन, समीर खान, इरशाद अहमद। अच्छा, ये टाइम ऐसा होता है कि जो वो करें इसको यूट्यूब पे डिटेल से भी बताएं। ये बनाई हुई है ना रेसिपी? मैंने रेसिपी बनाई हुई है इस टोस्ट के शायद नाम से, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखें। अभी तो ये मैं लाइव बनाती हुई आपको दिखा रही हूँ, वो भी है क्योंकि इसमें जाहिर है लाइव बड़ा मुश्किल, ज़रा टाइम लगता है। हाँ। ये आप कर रही हो, वो हो गया जी,
पकोड़े तल जाएंगे और अब हम दिखा नहीं सकेंगे ना पकोड़े पके हुए बाद में। और थोड़े से बना लो ना, एक बना लो ना, वो मैं दिखा दूँ, जल्दी करो। चलो, इरफान को बड़ी आदत है जी साथ साथ माशाल्लाह ये सफाई करता है। ये देखें अभी यहाँ कितना एकदम गंद था, और ये इरफान ना कुक वही जो किचन को साफ सुथरा रखे, चमकता धमकता। ये देखें इसने तैयारी कर ली है। लाइट नहीं है इधर यार, लाइट को क्या हुआ था, ये क्यों तो खराब है ऊपर वाली। हाँ ये सारा चिकन डाल दिया उसमें। अच्छा, अब हम करेंगे इसको टोस्ट पे लगाएंगे, टोस्ट बनाएंगे। प्याज है उधर का यार, हाथ रख के, अच्छा हाथ रख, इधर कर दे बस। हाँ चलो जी, सॉरी जी लाइव में बस जरा फ्रेम अजीब से बन रहा है। मेरे बेटे जो है ना जैन को बहुत पसंद है। अच्छा ऐसे भर लेना है। हाँ बस भर लेना है ऐसे, ज्यादा इस पे लगा होगा। हाँ, वो उतना ही अच्छा बनेगा। बस ये फिलहाल दो रखो ना, दो या तीन जितने उसमें आएंगे। बस दो ही रख रही हूँ फिलहाल तो, एक। हाँ एक और बना ले। इसके लिए डबल रोटी बड़ी वाली आएगी, ये सैंडविच ब्रेड इसके लिए हमने इस्तेमाल की है। सैंडविच तेल गरम करो यार, पकौड़े दो बना दो, इरफान वो पकौड़े बनाओ जल्दी करो। शाबाश शुजा भाई, क्या कहते हैं जी शुजा भाई, हसनैन मरियम महम, चलें जी हो गया नाम जी। अच्छा जी मुझे यूके से, ओहो निकल गया मुझे यूके से, मैं यूके से किरण। अच्छा जी जी किरण, आप आ गई फाइनल टच। अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे, आमीन जी। अच्छा टोस्टेड करने मार फोर, इनके मैं चार पीस करती हूँ तो इतने इतने छोटे छोटे पीस बन जाते हैं, चार ऐसे करके टोस्ट करने के बाद। हाँ। तो अभी तो आप ये रखो ना फिर दिखाते हैं जी, ये हटाओ बीच में से, हटाओ हटाओ, लाओ जी ये गर्म हो गया, ऑयल का एक हाथ लगा लिया जाने से। इनको ऑयल का हाथ, आप ये थोड़ा सा ऑयल लगा दो बस। इनके नीचे लगा, अच्छा ट्रे पे लगाना होता है, ठीक है लगाएं, लेके आए चिपके ना। ये जी गर्म हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसको बस टोस्टेड होने तक जो लाइट ब्राउन हो जाए, तो ब्राउन हो जाएंगे। ये हमने किस पे रखा जी, 80 पे, 180 कि बस ब्राउन होने तक यहाँ से नज़र आते रहते हैं। और इरफान पकौड़ों का तेल गर्म हो गया। हाँ पकौड़े दिखा दो बना के। अच्छा जी कौन आ गया जी, आ तो बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह इस वक्त आपके। महविश हैं जी, महविश अफशा, ये क्या, वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम गुजरात, गुजरात से राबिया ज़िया खान जी, राबिया गुजरात से, मेरी मैडम निशो के गांव से, पिंड से, शहर से। अच्छा जी महविश हैं जी, उमर ख़ान, शुजा भाई क्या कहते हैं जी, बार बार आ रहे हैं जी। ये कलर और लाइट, शीरी का नाम ले लें जी, शीरी ले लिया जी, शीरी शीरी आप ले लो भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। अच्छा जी अब क्या है, अब ये पकौड़ों का तेल गर्म हो रहा है अभी नहीं, ये कढ़ाई तो अभी नहीं लाए थे, काली हो गई है ये। सर रमजान में बस अब इसी तरह होता है ना, ये गंदी नहीं है, ये वैसे वो हीट लग के काली हो जाती है, नहीं तो काली, मुझे पता है काली, खास ख्याल रखते हैं लेकिन कभी ये उसकी है लोहे की है ना। अच्छा
अच्छा वैसे बेसन घोल के ये सारी चीजें कितनी देर पहले बना के रख देनी चाहिए इरफान? इसको कितनी देर? आधा घंटा पहले बना के रखें इसको, आधा घंटा पहले, पानी से पहले। लेकिन आज तो हमारा अगर पहले बना के रखेंगे तो पानी छोड़ जाता है, है ना? पानी छोड़ देता है, आधा घंटा पहले जी। इसमें सोडा वोडा तो नहीं डाला वो जी, इतने सॉफ्ट होते हैं? नहीं नहीं, पक्की बात है। ये कम डालना है आपने, बेसन कम डालना, बेसन कम डालना, बेसन ज्यादा डालेंगे तो फिर हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है, वाह जी वाह, ये जी बड़ा पक्का शेफ है जी हमारा। अभी गर्म होने में टाइम है और आप कोई बात करना चाहें और मैं, यार मुझे भी दिखा दो यार। हाँ, ये इरफान पकड़ो यार, मुझे भी दिखा दो। मैं दिखाती हूँ जुब्बा डाल, ये मैं गर्मियों में बहुत पहनता हूँ, रमजान में तो पहनता ही रहता हूँ। और इसके नीचे शॉर्ट्स पहनी होती है इसके नीचे इतने इतना बरमूडा सा नहीं होता, वो पहना होता है क्योंकि नमाज पढ़नी होती है, घुटने जो है वो नजर नहीं आने चाहिए, 70 डाउन होती है। तो ये ड्रेस इनका होता है जी, ज्यादातर वैसे आप रमजान में पहनते, गर्मी में तो पहनते ही हैं, रमजान में बहुत, रमजान में बहुत ज्यादा पहनता हूँ यार। ये बड़े अच्छे हैं यार, बैंगन इनको मैं बनाऊंगा, ये बड़ा जबरदस्त है। अच्छा जी, वो हमारे एक दोस्त हैं हकीम साहब, वो कहते हैं जिसको रेशा हो ना रेशा, वो ये बैंगन खाए, रेशा खाए। अच्छा, और ऑयल मैं बता दूं आप लोगों को, पता है हम पहले ही बता चुके हैं, जो तेल है वो हम सरसों का इस्तेमाल करते हैं, और खास तौर पर जो फ्राइड चीज़ों के लिए तो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। पूरे तेल भी है सरसों का, वो हम फिर एक्टिंग भी हो रही है ना, एक्टिंग एक्ट्रेस नहीं मरती ना अंदर की, जब मैं बोल रही होती ना तो मेरे हाथ खुद ही चल रहे, अंदर की एक्ट्रेस नहीं मरती ना। आपने तो बड़ी कोशिश की है मारने नहीं मरता, एक्टर भी मरता अंदर का। हाँ जी, कितना गर्म है अभी, सोए सही नहीं हुआ, ऐसे पानी मार के चेक करो ना, शर्म कर के छोटे छोटे पकौड़े लेने जाते थे ना, तो जब पहले पहले जो बंदा जाए तेल गर्म नहीं होता, और इंतजार होता है उसमें पानी का छींटा मार के देखते हैं कितना तेल बना रहे। इरफान ने पहले क्लब सैंडविच बना के रखे हैं, ये रोज इस तरह की चीजें माशाल्लाह बड़ी बनाते हैं, बच्चे खाना नहीं खाते, रहमो साहब खाना खाते हैं बच्चे, तो देसी बंदा सीधी रोटी, एक खजूर एक गिलास पानी, सीधी रोटी लाओ जी, इधर लाओ। अच्छा जी, ये मैं दिखाता हूँ जी आपको, दे मुझे ये देखें जी, और ये पतले बनाएगा, इनका मजा ये है माशाल्लाह। मुझे ये जो सात छोटे छोटे इसका वो चूर बन रहा है ना, और से कहते हैं चूर, मैं ये बड़े शौक से खाता हूँ, क्रिस्पी होते हैं। अच्छा, ये वैसे लाइव जा रहा है, आज के शो में ठीक बन जाए ये ना, और खराब हो जाए क्योंकि लाइव चीजों में नहीं, 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 सही बनेंगे, सही बनेंगे। अच्छा जी, मेन बस हम लोग समझते हैं जी पकोड़े बनाने में समोसा वो बेसन ही बेसन डालना है, बेसन ज़्यादा हो जाता था, लेकिन मेरे अल्लाह जन्नत नसीब करे जोजी साहब को, मेरे ससुर को सब जोजी साहब कहते थे, जमाल पाशा, उनको मेरे पकोड़े बड़े पसंद थे, आके कहते थे यार अफजल पकोड़े बढ़ा के खुआ यार। ग्लव्स कौन से, गर्म वाले ये पक रहे हैं जी, और इधर चलते हैं, नहीं अभी नहीं हुए, नहीं नहीं वो थोड़ा सा इनको टर्न करना है मैंने। अच्छा, घुमाने किधर हैं ग्लव्स? ग्लव्स किधर हैं? घुमाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ इधर, आ जाओ। हाँ जी, ये जी माशाल्लाह। अच्छा, कौन कौन है जी? बुशरा हैं, महनूर, बुशरा, शुजा भाई साथ हैं माशाल्लाह, कंटिन्यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पसंद करते हैं, आप हमारे साथ रहते हैं जब भी हम लाइव आए। ये जी चले निकाल लिए, ये देखें बिल्कुल पतले 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 आपको नजर आएंगे। किस पे डालने हैं, किधर है वो लाओ ना, नहीं 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 वो लाओ, नीचे नहीं रखना टिश्यू वगैरह, चलो फिलहाल इसमें रख दो, फिलहाल थोड़ी सी छाने में ना निचोड़ के रखा। ये देखें बड़े क्रिस्पी हैं जी ये माशाल्लाह, ये पतले पतले होते हैं और बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं।
चले, बाकी अब जब रोजे का टाइम आएगा फिर बनाओगे। ठीक हो गया जी, ये देख लें सारा इनके ऊपर बेसन बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए जी, ये मेरी डिश भी तैयार हो चुकी है। नहीं ऊपर से ही ब्राउन नहीं होनी? नहीं अभी ये ऐसे ही है। हाँ ये जब बिल्कुल अफ्तारी करीब होगी ना, हाँ तो मैं थोड़ा सा इसको दोबारा दोबारा करेंगी। ये ऐसे हो जाएंगी जी, जैसा ये किनारा है ना, इस तरह के ब्राउन, लाइट ब्राउन से हो जाएंगे। लेकिन ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे कि चीज की क्वालिटी खराब हो, खराब हो जाती है। ठीक है ना, लाइट ब्राउन कर। ये हमारे इस वक्त रेडी है अफ्तार के टाइम, इसको थोड़ी सी हीट देके हम टेबल पर। ये एक तरह का पिज्जा टाइप नहीं हो जाएगा जी? जी है ना, पिज्जा टाइप हो जाएगा माहौल। ये देखें जी, खालिस दूध आता है डायरेक्ट भैंस के पास जाके। यहाँ हमारे पीछे इधर 7-8 भैंसें रखी हुई हैं, उनके पास जाओ, वो सबके सामने निकाल के देते हैं। उसका ये मलाई है, इसी का मक्खन निकलता है। ये मक्खन निकालने के लिए रखा। और घर का दही भी दिखाओ जी, दिमाया घर का दही दिखाओ जी। ये देखें जी आपको, ये देखें घर का दही। अच्छा ये तो सहरी वाला ही है ना, आधा यूज़ किया हुआ है। ये देखें जी बिल्कुल फ्रेश, माशाल्लाह इतना मज़ा आता है ना। तो ये चीज़ें ना जो कुछ घर में ना, हमारे टमाटर कितने पड़े हुए हैं घर में, ये देखें जी, ये आज उतारे हैं इतने टमाटर, टमाटर नज़र नहीं आ रहे, ये कच्चे वाले नज़र आ रहे हैं। आज उतारे हैं ये सारे अपने टमाटर हैं। ये लौकी मुझे बड़ी पसंद है, और ये वाला तरबूज मुझे बड़ा पसंद है, ये लाइनिंग वाला। इससे मुझे टर्की याद आता है। हाँ हाँ चलें, इजाज़त लें जी, इजाज़त लेते हैं। तो अब हम बिल्कुल अपनी टेबल की तरफ जा रहे हैं, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाते हैं। हाँ जी चलो, बस 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 वो सिग्नल नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ जी अब हम जा रहे हैं अपनी टेबल की तरफ, अफ्तारी की तरफ। बच्चों को मैं बुलाऊंगी और हम साथ इकट्ठे मिलकर अफ्तारी करेंगे। आप भी अफ्तारी कीजिए और दुआ ज़रूर कीजिए, और दुआओं में याद रखिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइफ स्टाइल विद साहिबा, अल्लाह सुहांजना का पेड़, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, पत्ते इसके उतार के। अल्लाह हाफिज़।